में दहेज प्रथा की समस्या सदियों से चली आ रही है। ये समस्या आज भी है। आज भी किसी की बेटी दहेज के लिए जला दी जाती है। आज भी बहुत सारे बेटियों को दहेज के लिए अत्याचार सहना पड़ता है। तो आज हम सब 8वीं की छात्रा आपके सामने दहेज प्रथा पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक में पहले लड़कों और लड़की की शादी तय होती है और फिर लड़की को बिना वजह उसके ससुराल वाले दहेज के लिए सताते हैं, पर दहेज देना और देना कानूनन अपराध है। चलिए देखते हैं इस नाटक को। लड़का और लड़की के घर वाले आपस में शादी तय करने की बात कहते हैं। हमें लड़की पसंद है, हमें भी लड़की पसंद है, तो शादी तय कर ले। आप लोग बताइए, आपको हमारा लड़का पसंद है या नहीं? हमें भी आपका लड़का पसंद है। मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा, लड़का का परिवार भी बहुत पसंद है। जब दोनों परिवारों को लड़का लड़की पसंद है तो शादी तय कर। शादी तो ठीक है जी, पहले लेन देन पर बात तो कीजिए। आहन के माता पिता और रोशनी के माता पिता ऐसा दहेज के लिए मांग करते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छे अच्छी कंपनी में मैनेजर है, उसके पढ़ाई लिखाने में लाखों खर्ची है, तो इसी के उसकी शादी में हमें 10-5 लाख रुपए 10-16 नगद सारा फर्नीचर चाहिए। इतना सब कुछ? हाँ, अगर आप इतना सब कुछ नहीं दे सकेंगे तो अगली पार्टी जो भी देने को तैयार है। रोशनी का तो वहाँ देखेंगे, इससे अच्छे रिश्ते में नहीं। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी सारी डिमांड पूरी करूँगा। आप शादी मत रोकिए, पर मैं नगद 5 लगा ही नहीं दे पाऊँगी। शादी के लिए बातें पाऊँगा, आप शादी की सारी तैयारी भी कर। ठीक है, जब दोनों परिवारों को लड़का लड़की पसंद है शादी तय कर दीजिए। आहान की शादी तय हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद शादी भी हो जाती है और शादी 6 महीने तक ठीक चलती है और 6 महीने बाद रोशनी पर अत्याचार शुरू होता है। भाभी, मैंने आपको मेरा कमरा साफ करने को कहा था, आपने क्यों नहीं किया? भाभी भाभी, मैंने कहा आपको मेरा जूता साफ कर दिया, अभी नहीं किया। इस कर्म जल्दी को मैं क्या करूँ, तो कुछ काम भी नहीं करती, दिन भर सोते रहती है। झाड़ू लगा रही थी, जा जा काम कर, बर्तन इतने सारे पड़े हुए, कपड़े 2 दिन का रखे, जा जा साफ कर। लड़का के पिताजी अपने बेटे से पैसे के बारे में पूछते हैं। सर, तुम्हारे ससुर ने पैसे नहीं दिए, क्या करें? मुझे नहीं पता आपके और ससुर जी के बीच में क्या बात हुई थी। के पिताजी और रोशनी के पिताजी के साथ उन्होंने बात करते हैं। संदीप साहब, आप आज मेरे घर आइए, आपसे कुछ जरूरी काम है। सब कुछ ठीक तो है मेरी बेटी? सब कुछ ठीक है, आप मेरे घर आइए फिर बात करते हैं। ठीक है। के माता पिता, लड़के के माता पिता ये घर जाते हैं। एक साल होने को है, अभी तक आप पैसे नहीं दिए। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, जल्दी कीजिएगा, अपना बेटी को यहाँ से ले जाइए। बातचीत खत्म होने के बाद रोशनी के माता पिता अपने घर चले आते हैं और रोशनी को बिना वजह उसके ससुराल वाले सताते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। मैंने बर्तन साफ करने को कहा, तुम क्यों नहीं की? और मारो मम्मी, और मारो, मैंने कल बिरयानी बनाई। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, अभी तक कुछ काम भी नहीं की है। अगर बिरयानी भी नहीं बनाई, आप लोग इसे बहू बना के लेके आए, नौकरानी? बहू भी लाए, नौकरानी भी लाए, इसके पापा ने अभी तक 5 लाख रुपए नहीं दिए हैं। आप लोगों को नहीं पता दहेज लेना और देना कानूनन अपराध होता है? आप इसके लिए जेल भी, आप इसके लिए जेल भी जा सकते हैं। आप तो जाओ मेरे साथ में, मुझे भी ले जाओ। और फिर एक दिन अचानक रोशनी के दोस्त उससे मिलने आती है। आपको भाभी, आपसे मिलने को आ रही है? कौन है? खुद ही जाके देख ली। मुझ पर बहुत अत्याचार करते और मुझे छोटी छोटी बात पर खुद मारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी और पापा से वो लोग दहेज मांगे तो बस दहेज में 5 लाख रुपए नहीं दिए, बस इसी के लिए मुझे बहुत अत्याचार होता है, मुझ पर मुझे बहुत मारते हैं। दहेज लेना और देना कानून अपराध है, तुम्हें क्यों चाहती हो? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, तब मैं सोचती हूँ। ठीक है। दूसरे दिन इर्शाद पुलिस के पास जाती है। सर, मेरी एक दोस्त है रोशनी, जिस पर बहुत अत्याचार हो रहा है, उसके सास ससुर देवर और ननद उसे बहुत मारते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो दहेज नहीं लाई। सर, आप चलिए और उसकी मदद कीजिए।
प्लीज हमारे घर में मम्मी पापा जल्दी प्लीज। बहू को बुलाइए पहले बहू को। चलिए देखिए मेरे दोस्त रॉस भी जिस पर इसके साथ से बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं झूठ बोल रही है सर, आप इसको निशान देते हैं। झूठ क्यों बोल रही बहू, हम लोग को फंसाना चाहती हो आप। क्यों सर ये बोली रॉस ने आप बोली अपने हस्बैंड को बुलाइए। अजी सुनिए देखो तुम्हारी बहू आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफान है। आप क्या काम करते हैं? आपको पता है कि आपको माता पिता से पूछा देखो ना तुम्हारी पत्नी कैसे हम लोग को पता नहीं आपको जानते हैं मुझे आप तो कुछ बोलिए क्या बोलेंगे तो मुझे आप तो मुझे बचाए तो मैं मार दूंगी सब मेरे बोल रही ध्यान से सुनना। तो अंत में आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है।